मध्य प्रदेश के रीवा जिले की ओर ले चलते हैं, जहां सुहागी थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर खुद लगा ली फांसी। खबर मध्य प्रदेश के सुहागी थाना अंतर्गत ग्राम मझगवा से है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एडिशनल SP विजय डावर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मृतका निराशा कोरी पत्नी हरे राम कोरी उम्र 22 साल, अपने दो बच्चियां आसमी उम्र 2 वर्ष और रेशमी 4 माह को पहले गला घोटकर हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सुहागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। मौके पर घटना स्थल का सुहागी पुलिस और FSL टीम ने निरीक्षण किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने बच्चों को सुहागी थाना अंतर्गत थाना ग्राम मझगवा के घटनाक्रम है, जिसमें एक निराशा देवी नामक महिला है, जिसकी उम्र करीबन 24 साल है। अपनी दो बच्चियों को उसने पहले गला घोटकर मारा, उसके बाद में उसके द्वारा भी स्वयं के द्वारा भी सुसाइड कर लिया गया है। इसका पति बाहर था, सवेरे जब वो आया तो ग्रामीण जनों ने ही घर का दरवाज़ा तोड़ा और खोला, देखा तो उसकी जो पत्नी थी वो फांसी पर लटकी हुई थी और दोनों बच्चे मृत अवस्था में थी। तीनों का मर कायम कर लिया है। थाना प्रभारी के द्वारा जो है जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।